नमस्कार, आप देख रहे हैं MGB डिजिटल इंडिया और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। कलर्स चैनल के मोस्ट अवेटेड रियलिटी शो बिग बॉस 17 को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट बनी हुई है। कुछ ही घंटों में इसका ग्रैंड प्रीमियर होगा और सलमान खान एक बार फिर होस्ट बनकर धमाका करते नजर आएंगे। लोगों में इस बात की काफी एक्साइटमेंट देखने को मिली कि इस बार के सीजन में कौन किससे पंगा लेता नजर आएगा। कुछ सेलिब्रिटीज के वीडियोस भी सामने आ गए हैं। वहीं सेट से सलमान खान की एक ऐसे कंटेस्टेंट के साथ तस्वीर सामने आई है जिसका नाम सुनते ही फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आखिरकार उनके नाम पर अब मोहर लग चुकी है जिसका फैंस को इंतजार था। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन अनवर फारूकी की। उनकी एंट्री बिग बॉस 17 में पक्की हो चुकी है। सोशल मीडिया पर सलमान खान और मुनवर फारूकी की तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में मुनवर का चेहरा पूरी तरह तो नहीं दिखाया गया, लेकिन साइड झलक में साफ है कि सलमान मुनवर से बातें कर रहे हैं। बिग बॉस 17 में जाने को लेकर मुनवर फारूकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड भी कर रहे थे। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनवर फारूकी को देश भर के लोग पसंद करते हैं। उनकी सोशल मीडिया पर तगड़ी फैन फॉलोइंग है। कंगना के शो में आने के बाद उनके करियर को बूस्ट मिला, जिसके बाद अब वो सलमान खान के शो में अपना पावर दिखाने के लिए तैयार है। मुनवर बिग बॉस 17 में एंट्री ले चुके हैं। ऐसे में एक नजर डालेंगे मुनवर की कंट्रोवर्सी और स्ट्रगल पर। मुनवर फारूकी सोशल मीडिया पर तगड़ी फैन फॉलोइंग एंजॉय करते हैं। पेशे से स्टैंड अप कॉमेडियन मुनवर ने लॉकअप में अपनी बातों से कंगना और फैंस का दिल जीत लिया था। वो इस शो के विनर रहे, जिसके बाद उन्हें ऐसे कई शोज के ऑफर आने लगे। आज मुनवर म्यूजिक वीडियोस के लिए गाना गाते हैं और उन्हें फीचर करते भी दिखाई देते हैं। दरअसल मुनवर का नाम पहली बार तब चर्चा में आया जब उन्होंने कथित तौर पर भगवान राम और सीता के नाम पर अभद्र टिप्पणी कर दी थी। यही नहीं बल्कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के नाम पर भी मजाक किया था। मुनवर को जेल की हवा तक भी खानी पड़ी थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मुनवर को रिहा कर दिया था, मगर जेल से छूटने के बाद मुनवर फारूकी के 12 शो कैंसिल हो गए थे। मुनवर का शो होना था डोंगरी टू नौवेर, जिसे जब बंद करने को कहा गया तो स्टैंड अप कॉमेडियन ने कॉमेडी छोड़ने के संकेत दे दिए थे। लॉकअप सीजन में मुनवर ने अपनी शादी का खुलासा किया था। हालांकि अब वो अपनी वाइफ के साथ नहीं रहते। मुनवर ने ये भी रिवील किया था कि वो एक्ट्रेस नजीला के साथ रिलेशन में है। इस शो में मुनवर के करियर को उड़ान मिली। रणवीर अलाहाबादिया पॉडकास्ट में मुनवर ने बताया था कि उनकी माँ का नाम मुमताज था। 16 साल से वो उनसे मिले नहीं हैं क्योंकि वो अब इस दुनिया में ही नहीं है। मुनवर ने बताया था कि 6ठे स्टैंडर्ड के बाद पढ़ाई करना उनके लिए मुश्किल हो गया था क्योंकि पैसे नहीं थे। उनकी जिंदगी आसान नहीं थी, संघर्षों से घिरी हुई थी। उन्होंने एक गिफ्ट शॉप पर काम किया जिसके लिए उन्हें 800 रुपए हर महीना मिलता था। बाद में 1800 मिलने लगे। मुनवर का बचपन बेहद अमीरी में तो क्या, एक ठीक ठाक मिडिल क्लास फैमिली तक में नहीं पीता था। उनकी माँ और दादी समोसे बनाया करती थी जिसे वो बेचने जाते थे। इस दौरान कई बार उनकी उंगलियां तक जल जाती थी। माँ की भी उंगलियां जल जाती थी, लेकिन वो समय के साथ जीना सीख गए। उन्होंने बताया था कि उनकी माँ को बहन की शादी के लिए जिम्मेदार माना जाता था। उन पर 3500 का कर्ज था। ऐसे कई कारण थे जिसकी वजह से उनकी माँ ने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। लेकिन मुनवर ने हार नहीं मानी और आज वो इस मकाम पर हैं कि जल्द ही सलमान के रियलिटी शो में नजर आने वाले हैं। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए MGB डिजिटल इंडिया। धन्यवाद।